एक 14 साल के बच्चे की दाना मंडी के विच लटकती हुई लाश मिली है, जिसके कारण हुण इलाके दे विच सहम दा माहौल है। परिवारक मैंबरां दे वल्लों जिथे पुलिस दे कोल जांच की गल कही जा रही है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, उत्थे परिवारक मैंबरां दा कहना है कि ठीक अद्धा घंटा पहला यह बच्चा अपने घर तो हसदा खेडदा होया निकलिया सी, पर जदों वो खाना खाण लगे तो अपने बच्चे जदों लभण दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं तां किसी ने आके दस्सिआ कि उन्हां दे बच्चे की जो लाश है वह मंडी दे विच लटक रही है। जिस तों बाद वो मौके दे उत्ते पहुँचते ने तो एक बार तो उस सीन नूं देख के पैरां थलों उन्हां दे भी जमीन खिसक जाती है, जिस तों बाद तुरंत उसनूं हस्पताल लैके जाया जाता है, पर उदों तक काफ़ी देर हो जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। जानकारी अनुसार दस दईए कि यह 14 साल का बच्चा जदों घर आउंदा है ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? नाम बताओ। राजू था उसका बच्चा। कौन नाम तो अपना? मेरा रीना देवी है। अच्छा, क्या हुआ आज? आज कुछ नहीं हुआ, मैं काम पर से आया, मेरा बच्चे बाल कटाने जा रहा था 7 बजे में। मैं बोला कहाँ जा रहा था, मेरे को बोला मेरा बच्चे कि मैं बाल कटाने जा रहा हूँ मम्मी। हंसते हंसते कितनों बुलाया, मेरा बच्चे नहीं आया, बाल कटा के फिर घर गया, नहाने गया, कोई बच्चे आवाज मारा, मेरा बच्चे बाहर निकल गया। मैं सब्जी बना रहे थे, सब्जी बना के ढूंढने निकला तो मेरा बच्चे है ये नहीं है। तब एक बच्चे देखा यहाँ पर मार कर टांग रहा था, तो वो मेरे धोकते धोकते गया बोलने के लिए, दबार लगा उसको भी दबा रहा था, तब वो भी गया है बोलने के लिए मेरे घर से। दोस्त तक मैं आया, मैं सब जीवाया घर में, तो तब तक मेरा बेटा टांगा हुआ था, मेरा मुंडा टांग दिया था कोई मार से, पता नहीं कोई नहीं देखा, ये एक बच्चे छोटा वाला देखा है। क्या मैं काम पर आया जी? जी, मैं जज कबरिया को काम करता हूँ। ठीक है, काम पे आया, मैं खाना खा रहा से आया, उधर ओला वाला शिवम कुल क्यों गया था, नहाने का था, मैं नहा के आया। ठीक है, और नहा के आपका बेटा था? हाँ जी। कितने साल का है? 11 साल का। क्या नाम है उसका? अभिषेक। अच्छा, क्या बात की हुई है? बात कुछ नहीं हुआ, पता मैं शिवम कुल का मैं क्यों गया नहाने, पता डूब गया बस और कुछ। ठीक है, तो कितने बजे पता लगा आपको? ये तो 9 बजे आएगा, पौने 9 बजे मुझे पता लगा, 15 मिनट के अंदर पता लगा। नहीं, 9 बजे का आधा घंटा का टाइम है, 15 मिनट में मुझे बोलने लगे उसने, 15 मिनट में। नहीं, घर पे था, घर पे आने के बाद किसके साथ किया वो? घर पे मेरे बच्चे के साथ, वो आया था अभिषेक। कितने बच्चे आपके? 4। आपका क्या नाम है? रामानंद सिंह। ठीक है, तो बच्चे को पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? पूछा कहता मैं नहा का आया। ठीक है, वो तो नहा का आया, कपड़ा ही बदला। ठीक है, फिर चला गया। किसके साथ गया पता? कुछ कल ही गया, कल ही। ठीक है, तो उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि उसकी? मैं बोला कि ले आ, अभी खाना बन गया तो भाई उसको भी खा लेगा। उसका मम्मी उसका भाई सब ढूंढने का था, है नहीं, कहा मैं सर नानी के पास होगा, शायद आ जाएगा, शायद रोज उसके बाद चलते मैं चलते बात में। बाकी एक उसका एक मंडे बोलने आया कि आपका लड़के को वहाँ गला टांगा हुआ मंडी में, तब पता लगा। ओके, आपके किसी पे शक है? मुझे किसी पे शक नहीं, मैं किसी दुश्मन के हाथ पे शक करूँगा मैं। ओके, नहीं पता लगा कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, वो लेके जा रहे हैं, क्या बात है? हमने तो नहीं देखा। नहीं, बंदे बोल रहे हैं आपके कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, उसको लेके गए हैं साथ, बाल कटा के आया था वो, बाल कटाने के बाद उसने बाल कटाने गया था। आप कह रहे पहले बाल कटा कर नहाया उसने घर पे आके? नहीं, पहले बोले आप स्विमिंग पूल पे गया? पहले स्विमिंग पूल से आके पहले बाल कटाया। ठीक है, नाई बैठा सामने। ठीक है, पहले बाल कटा उसने, फिर अभी नहाया, नहा के कपड़े पा के मारा, चलो उसको बुला लिया, खाना खा लेगा। ठीक है, तो कटा उधर गया। देखा आपने किसके लड़के, कौन से लड़के थे वो?
जिसके साथ गए कौन से लड़के थे, लड़के कौन से, पहचान उनकी कौन है, उसके दोस्त है कौन है, जिनके साथ वो गया है दोस्त है उनके कौन है? हमको नहीं पता, हम तो काम पे रहता हूँ, किसके साथ गया। ओके okay, क्या काम करते हो आप? मैं तो बोलता रहा कमरिया के पास, सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे आता हूँ। प्रशासन ने क्या बात की आपसे, पुलिस प्रशासन क्या बात किया, कहता है क्या हुआ, ऐसे ऐसे बोला तो भाई ऐसे ऐसे बोला हमने। अब उसकी मौत हो चुकी है, मौत हो गया। ओके तो बॉडी कहाँ, उसकी सिविल रखाई है? सिविल में। पुलिस से क्या मांग करते हो? पुलिस ने क्या बोलता, कहता जो भी सच्चाई होगा तेरा वो हल कर दूंगा सब चीज, बोलता है तेरा लड़का खुद ही फांसी लगा ऐसे है वो से। आपको आपको लगता है कि बोलता था मुझे, कहता है कि खुद ही फांसी लगाया, कहता है अगर होता, कहता दूसरे कोई लगा तो कोई चोट होता या फिर कुछ होता, वो बोल रहा था मेरे को अंदर, कहता ऐसे बोला, मैं बोला ऐसे थोड़ी होता यार पंडित, मैं अपने वो साला खुद ही तगड़ा बंदा है, हल्डर घर वो पूरा, ऐसे कभी फांसी नहीं लगा सकता वो। की नाम है दादा? मेरा नाम रामानंद सिंह। हाँ जी, क्या हुआ आज? क्या मैं काम पर आया जी? जी मैं जज कबरिया कुल काम करता हूँ। ठीक है, काम पे आया मैं, खाना खा रहा से आया उधर, वाला शिवम कुल क्यों गया पापा नहाने का था, मैं नहा के आया। ठीक है, और नहा के आया। आपका बेटा था? हाँ जी। कितने साल का है? 11 साल। क्या नाम है उसका? अभिषेक। अच्छा, क्या बात की हुई है? बात कुछ नहीं हुआ, पता मैं क्यों गया नाने, डूब गया बस और कुछ। ठीक है, तो कितने बजे पता लगा आपको? ये तो 9 बजे आएगा, पौने 9 बजे मुझे पता लगा, 15 मिनट के अंदर पता, नहीं 9 बजे का आधा घंटा का टाइम है, 15 मिनट में मुझे बोलने लगे उसने, 15 मिनट में। नहीं, घर पे था, घर पे आने के बाद किसके साथ किया वो? घर पे मेरे बच्चे के साथ, वो आया था अभिषेक घर। कितने बच्चे आपके? 4। आपका क्या नाम है? रामानंद सिंह। ठीक है, तो बच्चे को पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? पूछा था, मैं नहा के आया। ठीक है, वो तो नहा के आया, कपड़ा ही बदला। ठीक है, फिर चला गया। किसके साथ गया पता? कुछ कल ही गया, कल ही। ठीक है, तो उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि उसकी? मैं बोला कि ले आ, अभी खाना बन गया तो भाई वो भी खा लेगा। उसका मम्मी, उसका भाई सब ढूंढने का था, है नहीं, कहा मैं सर नानी के पास होगा शायद आ जाएगा शायद, वो जो उसके बाद मैं चल कर बात नहीं। बाकी एक उसका एक मंडे बोलने आया कि आपका लड़के को वहाँ गला टांगा हुआ मंडी में, तब पता लगा। ओके, आपके किसी पे शक है? मुझे किसी पे शक नहीं, मैं किसी दुश्मन के आस पे शक करूँगा मैं। ओके नहीं, पता लगा कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, वो लेके जा रहे हैं, क्या बात है? हमने तो नहीं देखा। नहीं, बंदे बोल रहे हैं आपके कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, उसको लेके गए हैं साथ, बाल कटा के आया था वो, बाल कटाने के बाद उसने बाल कटाने गया था। आप कह रहे पहले बाल कटा के नहाया उसने घर पे आके? नहीं, पहले बोले आप स्विमिंग पूल पे गया, पहले स्विमिंग पूल से आके पहले बाल कटाया। ठीक है, नहाई बैठा सामने। ठीक है, पहले बाल कटा उसने, फिर अभी नहाया, नहा के कपड़े पा के मारा, चल उसको बुला लिया, खाना खा लेगा। ठीक है, तो कटा उधर गया। देखा आपने किसके लड़के, कौन से लड़के थे वो जिसके साथ गए, कौन से लड़के थे, लड़के कौन से, पहचान उनकी कौन है, उसके दोस्त है कौन है, जिनके साथ वो गया है दोस्त है उनके कौन है? हमको नहीं पता, हम तो काम पे रहता हूँ, किसके साथ गया। ओके okay, क्या काम करते हो आप? मैं तो बोलता रहा कमरिया के पास, सुबह जाता 9 बजे, रात को 9 बजे आता हूँ। प्रशासन ने क्या बात की आपसे, पुलिस प्रशासन क्या बात किया, कहता है क्या हुआ, बोला ऐसे ऐसे बोला तो भाई ऐसे ऐसे बोला हमने। अब उसकी मौत हो चुकी है? मौत हो गया। ओके तो बॉडी कहाँ, उसकी सिविल रखाई है? सिविल में। पुलिस से क्या मांग करते हो? पुलिस ने क्या बोलता, कहता जो भी सच्चाई होगा तेरा वो हल कर दूंगा सब चीज, बोलता है तेरा लड़का खुद ही फांसी लगा ऐसे है वो से। आपको आपको लगता है कि बोलता था मुझे, कहता है कि खुद ही फांसी लगाया, कहता है अगर होता, कहता दूसरे कोई लगा तो कोई चोट होता या फिर कुछ होता, वो बोल रहा था मेरे को अंदर, कहता ऐसे बोला, मैं बोला ऐसे थोड़ी होता यार पंडित, मैं अपने वो साला खुद ही तगड़ा बंदा है, हल्डर घर वो पूरा, ऐसे कभी फांसी नहीं लगा सकता वो। नहीं, की नाम की अपनी भाई, मेरी गल सुनो। मैं सुनो, मेरा नाम है, मेरे को ना ओदी मां काम कर दी साडे को लेडीज काम छोटा काम है। ठीक है, ये जे रहंदे थे छोटे गरीब बच्चे है सारे। ठीक है, ओ मुंडा इना सारे सिगरेट बाल कटा के लगे ही है ओदे घर दे उधर, ते इथे जाके जो मेरा रोला पे ते जाके देखया, नहीं होया की है पता नहीं, इना पहले इधर गए ते मैं तो बाहर आ रहे जी, मेनू कहंदे कि ना उथे पता नहीं किसे बच्चे दी लाश, जो जाके देखया उधर जाके उथे लाश उथे साडा मुंडा
ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 11 ਸਾਲ ਹੋਣਾ। 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। 11 10 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? 8:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਈਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ? ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।